गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स की कड़ी में जो नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग और सुपर सेंट्रीफ्यूग है, अगर आप लोग ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अपनी स्लाइड में तो पॉइंट टू देखिए, सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग, इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में देखिए जो आपके कोर्स में है वो है नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग और सुपर सेंट्रीफ्यूग, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों आपके कोर्स में है, जबकि ये कॉनिकल डिस्क सेंट्रीफ्यूग और ट्यूबुलर बॉल्ट सेंट्रीफ्यूग ये आपके कोर्स में नहीं है, तो हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। केवल आज के लेक्चर में नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग और सुपर सेंट्रीफ्यूग की हम बात करेंगे, जो कि किसके एग्जाम्पल हैं, आपका सेकेंड वाला जो है सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग, ठीक है ना। और इसके बाद हमारी आज की जो ये यूनिट है सेंट्रीफ्यूग, वो आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आज अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग का जो एग्जाम्पल है नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग, जबकि इससे पहले मैंने जो जितने पहले लेक्चर लिए हैं उसमें परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग के बारे में बताया आप लोगों को, उनका कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, उसका डायग्राम दिखाया आप लोगों को, उनकी वर्किंग बताई, उनके यूजेस बताए, एडवांटेज बताए, डिसएडवांटेज बताए, ठीक है ना। इसके बाद मैं सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूग पे पहुंचा, वहां पे मैंने उसके भी वर्किंग बताई, उसका कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये भी आपके सामने रखा, उसको फिगर के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आज का जो लेक्चर है अब मैं स्टार्ट करता हूँ नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। तो इसके प्रिंसिपल को जरा ध्यान से देख लीजिए। दिस इज सेडिमेंटेशन टाइप सेंट्रीफ्यूग, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात भी की, ये एक एग्जाम्पल है सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग का। तो दिस इज सेडिमेंटेशन टाइप सेंट्रीफ्यूग, सो सेपरेशन टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज विदाउट प्रेजेंस ऑफ परफोरेटेड स्लैश पोरस मीडियम। इसमें जो ये एक तरीके का सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग की कैटेगरी में आता है, जिसके अंदर आप स्लरी का जो सेपरेशन है या किसी भी चीज़ को आप सेपरेशन, तब ये उस चीज़ पे वेरी करवाते हैं उन दो चीज़ों की डेंसिटी पे, और इसमें एक चीज़ की एब्सेंस होती है इस तरीके के सेंट्रीफ्यूग में। इसमें परफोरेटेड या पोरस मीडियम होता ही नहीं है, ये एक इसकी सबसे बड़ी एक क्वालिटी निकल के आ रही है कि इसके अंदर परफोरेटेड या पोरस मीडियम होता ही नहीं है। जबकि परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग नाम से समझ में आ रहा है कि उसके अंदर था, अब इसमें क्या है नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर परफोरेटेड या पोरस मीडियम होता ही नहीं है। सेकंड पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन सॉलिड रिमेन्स एट साइड वॉल ऑफ द बास्केट वाइल लिक्विड रिमेन्स एट द टॉप विच इज कलेक्टेड बाई स्किमिंग ट्यूब। अब इसमें क्या होता है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो इसमें जो सॉलिड पार्ट होता है वो इस बास्केट के जो साइड की जो वॉल है उस पर जाके चिपक जाता है, और जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ आके तैरने लग जाता है, जिसको बाद में आप उस लिक्विड को स्किमिंग ट्यूब के द्वारा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि ये नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग किस चीज से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ बास्केट मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, इसकी भी ये भी एक बास्केट से बना होता है, इसके अंदर एक बास्केट होती है जो कि किससे बनी होती है, स्टेनलेस स्टील से। द बास्केट इज प्लेस्ड ऑन द वर्टिकल शेफ्ट, और ये जो बास्केट है ये इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में एक वर्टिकल शेफ्ट के वर्टिकल पोजिशन में खड़ी होती है। बास्केट कंटेन्स इनलेट ट्यूब एंड स्किमिंग ट्यूब, और इसी बास्केट में इनलेट ट्यूब और स्किमिंग ट्यूब होती है। देखिए ये फिगर देख लीजिए आप लोग, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये एक बास्केट है, ठीक है ना। बास्केट में ये जो टर्न कर रही है, अगर आप फिगर के लेफ्ट साइड के हिसाब से देखें अपने लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या है, स्किमिंग ट्यूब है, बीच में फीड है, जिस चीज़ को आपको सेंट्रीफ्यूगेशन कराना है, फिल्ट्रेशन कराना है, या मतलब कलेक्शन करवाना है, आप उसको स्लरी को यहाँ से फीड डालते हैं, ठीक है। सॉलिड अगर आप देख पा रहे हैं तो इस बास्केट की साइड साइड की वॉल पे आके चिपक गया, और जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ आके बहने लग गया। नीचे मोटर है और मोटर के द्वारा ही इसका पूरा कंस्ट्रक्शन
होता है इस नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग का। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है, आप लोग इसके कंस्ट्रक्शन को बड़े आराम से बनाइएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। इसके अंदर एक स्कीमिंग ट्यूब है, फीड चैनल है, लिक्विड सॉलिड जो वॉल पे और ऊपर तैरने लग गया वो है, शेफ्ट है एंड मोटर है। तो ये फिगर जो दिखा रही है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। अब ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग देख लीजिए। द सस्पेंशन इज फेड कॉन्टिन्यूसली इन टू द बास्केट। जो सस्पेंशन है उसको आप कंटिन्यूसली एंट्री करवाते हैं उसकी बास्केट में। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन सॉलिड फेज इज रिटेन्ड ऑन द साइड ऑफ द वॉल वाइल लिक्विड रिमेन्स ऑन द टॉप। तो जैसा कि पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है तो जो सॉलिड पार्ट है वो दीवार में जाके साइड की वॉल पे जाके चिपक जाता है और जो लिक्विड है वो टॉप पे यानी कि ऊपर की तरफ आके बहने मतलब अपना रुक जाता है। द लिक्विड इज कलेक्टेड विद स्किमिंग ट्यूब। तो ये तो मैंने पहले भी बताया अभी आपको कि जो लिक्विड है आप इसको फिर कैसे कलेक्ट कर लेते हैं, स्किमिंग ट्यूब होती है और उससे जाके आप इसको कलेक्ट कर लेते हैं। एंड सॉलिड स्क्रैप आउट बाई यूजिंग स्क्रैपर फ्रॉम द बास्केट। और जो सॉलिड पार्ट है आप उसको स्क्रैपर होता है एक नाइफ टाइप की चीज़ होती है, नाइफ चाकू टाइप की, उससे आप उसको स्क्रैप करके बास्केट से अलग कर लेते हैं। अब इस नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग के यूजेस क्या हैं ये देख लीजिए। इट इज़ यूजफुल व्हेन द डिपॉजिटेड सॉलिड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। ये वहाँ पे ज़्यादा यूजफुल कहलाता है जहाँ पे सॉलिड का डिपोजिशन, जो सॉलिड जो डिपॉजिट जो होता है वॉल पे वो एक हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हो अगर लिक्विड के फ्लो को, तो ये वहाँ पे यूजफुल होता है, ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों इनको यूज़ करना चाहिए। कॉस्ट इज लेस, सस्ते होते हैं, इनकी कॉस्ट सस्ती है देन अदर सेंट्रीफ्यूग, और सेंट्रीफ्यूग्स की तुलना में ये सस्ते होते हैं तो दैट्स वाई यूज़ ज़्यादा किए जाते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लीजिए, हर चीज़ के अपने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज होते हैं। तो डिसएडवांटेज में देख लीजिए, सॉलिड फेज इज रिटेन्ड ऑन द साइड ऑफ द बास्केट। तो बिल्कुल सही बात है भाई कि जो सॉलिड पार्ट है वो तो दीवार पे जाके चिपक गया, अब इसको स्क्रैप से आप स्क्रैपर से आप निकाल तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ट्रेसेस तो दीवार पे जाके चिपक ही जाएंगे, तो दिक्कत तो है, क्लीनिंग में भी दिक्कत है, ठीक है ना, ये इसके डिसएडवांटेज है। और आज का जो लास्ट का आपका जो टॉपिक है वो है सुपर सेंट्रीफ्यूग। सुपर सेंट्रीफ्यूग क्या है ये भी देख लीजिए। सुपर सेंट्रीफ्यूग भी एक एग्जाम्पल है आपका किसका, एक सुपर जो हम लोगों ने बात की थी ये भी एक ही कैटेगरी है, इसका प्रिंसिपल देख लीजिए। ये भी एक एग्जाम्पल है सेडिमेंटेशन टाइप के सेंट्रीफ्यूग का, जैसे अभी नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग की हमने बात की थी ना, ये भी किस सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग के एक एग्जाम्पल था नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग, और ये जो सुपर सेंट्रीफ्यूग है ये भी एक सेडिमेंटेशन टाइप सेंट्रीफ्यूग का एक एग्जाम्पल है। तो प्रिंसिपल देखिए, पहली लाइन, दिस इज सेडिमेंटेशन टाइप सेंट्रीफ्यूग, बिल्कुल जैसे पहले वाला था वैसे वो भी, ठीक है। सो सेपरेशन टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, यही नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग का भी यही सेम प्रिंसिपल था, इसका भी यही सेम प्रिंसिपल है, बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। बस इसमें ये चीज है कि उसमें सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन में, अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों के सेपरेशन का काम हो रहा था ये नॉन परफोरेटेड में, और वो भी दोनों के डेंसिटी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा था, इसमें क्या है, इसमें भी दो चीज़ों को सेपरेट आउट आपको करना है, अलग अलग करना है, तो वो तभी होगा जब दोनों की डेंसिटी वेरी करेगी। लेकिन ये जो सुपर सेंट्रीफ्यूग है ये काम करता है इमिसिबल लिक्विड्स में, यानी कि दो वो लिक्विड जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाती, तो ये वहां पे काम करता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए सेकंड पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन इन द बाउल ऑफ स्मॉल सेंट्रीफ्यूग। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द हैवियर लिक्विड इज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल वाइल लाइटर लिक्विड रिमेन्स एज इनर लेयर। होता क्या है कि जब इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट होता है मोटर के द्वारा, तो जो भारी लिक्विड है वो मोटर चलने के द्वारा या सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा दीवार पर जाके टकराना शुरू करता है, क्योंकि भारी है, जाके टकराएगा और साइड में चला जाएगा। लेकिन जो लिक्विड का जो पार्ट, जो हल्का जो लिक्विड होता है वो रिमेन, वो ठहर जाता है
इनर लेयर के फॉर्म में नीचे की तरफ। तो ये इसका एक सेंट्रीफ्यूगेशन का एक सेपरेशन का तरीका होता है जो सुपर सेंट्रीफ्यूग में काम करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, द टू लेयर्स आर साइमल्टेनियसली सेपरेटेड यूजिंग मॉडिफाइड वेयर्स। तो ये था इसका पूरा का पूरा प्रिंसिपल। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, ये बना किस चीज़ से होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सुपर सेंट्रीफ्यूग इज शोन इन फिगर। फिगर कुछ ये है, देख लीजिए मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये इसकी फिगर है, ठीक है, वर्टिकल शाफ्ट में ये भी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसमें टू इमिसिबल लिक्विड जिसका आपको सेंट्रीफ्यूगेशन कराना है वो रखते हैं, ठीक है। जो लाइट फेज की जो लिक्विड होती है वो ऊपर की तरफ से वो नीचे, वो एक लेयर बना के नीचे ठहर जाती है, और जो हैवी फेज है वो दीवारों में जाके टकराना शुरू करता है। अंदर देख लीजिए आप, एक रोटेटिंग बॉल है, यही रोटेट करती है। बीच में एयर स्पेस है, ठीक है, और ऊपर मोटर है, मोटर के द्वारा ही ये रन करता है। और आप इसमें जो दो लिक्विड है जिनको आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना है वो आप नीचे की तरफ से भरते हैं, जहाँ पे फीड लिखा हुआ है नीचे की तरफ से आप इसको भरते हैं, ठीक है ना। तो ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर सेंट्रीफ्यूग। अब इसको देख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल बॉल। देख लीजिए लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल बॉल ही है इसमें, ठीक है, ऑफ स्मॉल डायमीटर। इसका डायमीटर स्मॉल होता है, ठीक है। इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फ्लेक्सिबल स्पिंडल एट द टॉप एंड गाइडेड एट द बॉटम बाई ए लूज फिटिंग बुशिंग। तो देख लीजिए मोटर है और वो नीचे से ऊपर की तरफ फीडिंग हो रही है, और ये इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक फ्लैक्स, ये जो पूरा जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरा का पूरा कैसे फिक्स होता है एक फ्लेक्सिबल स्पेंडल में, ठीक है ना, और वो टॉप पे रोटेट करती है, ठीक है ना, और नीचे से उसकी जो लूज फिटिंग होती है इसलिए नाचती है, ये नाच इसीलिए पाती है, ठीक है ना। एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं ये, ठीक है ना। इट कैन बी रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये अपनी ही एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है ना। प्रोविजन इज मेड एट द बॉटम फ्रॉम द फीड इनलेट यूजिंग प्रेशर सिस्टम। जो फीड है उसको नीचे की तरफ से ही आप अंदर एंट्री उसकी करवाते हैं, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता, तो आपको प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि बाय यूजिंग प्रेशर सिस्टम, प्रेशर से ही आप फीड को अंदर उसकी एंट्री करवाते हैं। टू लिक्विड आउटलेट्स आर प्रोवाइडेड एट डिफरेंट हाइट्स एट द टॉप ऑफ द बॉल फॉर साइमल्टेनियस रिकवरी ऑफ द सेपरेटेड लिक्विड यूजिंग मॉडिफाइड वेयर्स। अब इसकी वर्किंग देख लीजिए, द सेंट्रीफ्यूग इज अलाउड टू रोटेट ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एट हाई फ्रिक्वेंसी यूजिंग अबाउट 2000 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये एक्चुअली में ये जो सेंट्रीफ्यूग है ये अपनी एक लॉन्गिट्यूडनल, अपनी फिक्स एक्सिस पे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ही रोटेट करता है बहुत तेजी से, 2000 RPM यानी कि 2000 रिवोल्यूशन पर मिनट, इतनी स्पीड से ये घूमता होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, जब इतनी तेजी से घूम रहा है तो जो हैवी लिक्विड है वो तो दीवारों पर जाके टकरा जा रहा है, और जो हल्का लिक्विड है जिसकी डेंसिटी लो है वो नीचे की तरफ बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है आप लोग को, अब समझ में आने लग गया होगा, ठीक है ना। द फीड इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द बॉटम। मैंने बताया ये कि फीड को आप नीचे की तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूग यूजिंग ए प्रेशर सिस्टम, और प्रेशर को आपको अप्लाई करना ही होता है तभी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाके जाता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन टू लिक्विड फेजेस सेपरेट बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। बात हो ही चुकी है। द हैवीएस्ट लिक्विड इज थ्रॉन अगेंस्ट द वॉल। मैंने बताया ना कि जो हैवी लिक्विड है वो जब इतनी 2000 RPM की स्पीड से जब ये सेंट्रीफ्यूग नाच रहा है तो जो भारी लिक्विड है वो दीवारों पर जाके टकराना शुरू कर जाता है, और जो हल्का लिक्विड है वो नीचे रह जाता है, ठीक है ना। बोथ लिक्विड राइज टू द टॉप ऑफ द वर्टिकल बॉल। फिगर मैंने आपको दिखाई दी, ठीक है ना। अब इसके यूजेस देख लीजिए, यूजेस में कह रहा है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लिक्विड फेज ऑफ इमल्शन इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल। फूड इंडस्ट्री में या दवाइयों की इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब हम दो इमल्शन को, इमल्शन की आपको प्रॉपर्टी पता है, एक होता है वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, एक ऑयल और एक वाटर है, दोनों लिक्विड की अपनी अलग अलग डेंसिटी है। तो अगर आपको इमल्शन को सेपरेट करना हो, अलग अलग करना हो, ठीक है, फेज को अलग करना हो, तो आप इस सुपर सेंट्रीफ्यूग का सहारा लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन, लगातार काफ़ी देर तक आप इसमें काम परफॉर्म कर सकते हैं,
ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, कैन हैंडल मच हायर कंसंट्रेशन, इसमें काफ़ी कंसंट्रेशन में आप लिक्विड को भर सकते हैं और उनका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से सेपरेशन करवा सकते हैं। कैन हैंड, और उसके बाद प्रोड्यूस ड्राई सॉलिड, इसमें जो सॉलिड पार्ट जो हमें चाहिए होता है हमें सूखे के तौर पर ताकि हम आराम से निकाल सकें उसे, वो मिल जाता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? सेडिमेंट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। जो सेडिमेंट जो निकल के आता है, जो चीज़ हमको सेपरेशन निकल के आती है, वो एक यूनिफॉर्मली नहीं मिलती हमें। ये थोड़ा सा हमको दिक्कत इस चीज़ का सामना करना पड़ता है अगर हम सुपर सेंट्रीफ्यूग का यूज़ करें तो, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जो आपका जो लेक्चर था ये पूरा सेंट्रीफ्यूगेशन में था। इसके अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर लिए हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के, जिन जिन इंस्ट्रूमेंट का आपको सहारा बताया मैंने, जो जो बताया कि एक परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग है, एक नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग है, ठीक है ना, सुपर सेंट्रीफ्यूग है, ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको ये सेंट्रीफ्यूगेशन जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन बताए उनके आप प्रिंसिपल, वर्किंग, उनके कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज, ये सारा का सारा याद करेंगे। नोट्स मैं आप लोगों को लेक्चर के बाद अटैच कर ही देता हूँ PDF फॉर्मेट में, ठीक है ना। कोई भी क्वेरी हुआ करे आप आराम से गूगल क्लास पर जाके मुझसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कोई भी दिक्कत हो तो। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और ये सेंट्रीफ्यूगेशन टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट यूनिट के बारे में अगले लेक्चर से बात करेंगे। थैंक यू।